छत्तीसगढ़ में आरक्षण कोटा देश में सबसे ज्यादा हो गया है। हाल ही में बघेल सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर आरक्षण को कोटा जो 50% से बढ़ाकर 76% कर दिया है, लेकिन यह विधेयक कानून का मुहूर्त ले इसके लिए यहां राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी हैं। वहीं राज्य के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं किए जाने पर कहा कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं। राज्यपाल ने पहले तुरंत हस्ताक्षर करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी एक वर्ग का नहीं, सभी वर्गों के लिए होता है। इसके अलावा सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन में सब खेल हो रहा है और यह ठीक नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने। देखिए, उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसके जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं, और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। और कुल मिला के है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है और ये ठीक नहीं है। पहले कुछ स्टैंड था, अब वो धीरे धीरे स्टैंड बदलते जा रहा है।